वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रयागराज के सिंगवेरपुर धाम के गंगा घाट पर दफन किए गए शवों के ऊपर से चुनरी और लकड़ियों को हटाने के मामले में तूल पकड़ा तो डीएम भानुचंद गोस्वामी व एसएसपी सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से जांच के आदेश दिए। इस मामले की जांच के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन और एसपी गंगा पार को नियुक्त किया गया है। ये दोनों अधिकारी पता लगाएंगे कि शवों की चुनरी हटाने वाले कौन लोग हैं और इनकी क्या मंशा थी। सिंगवेरपुर घाट पर शव को दफनाने को लेकर कई तरह से मिथक है। अपर अधिकारियों के मुताबिक इस जगह पर प्रतापगढ़ कौशाम्बी फतेहपुर के शव यहां दफन करने लाते हैं और ये परंपरा काफ़ी पुरानी है। हालांकि कोरोना काल में ये दफन हुए शव की संख्या को लेकर नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने खबर बनाई थी, तब से सिंगवेरपुर चर्चा में है। दफन शव से चुनरी हटाने का वीडियो सामने आने के बाद जगह अखबारों ने और हाइट पकड़ी। आईजी केपी सिंह ने कहा कि जांच के बाद साफ हो जाएगा कि इतने संवेदनशील मामले के बावजूद शव स्थान से चुनरी हटाने की क्या मंशा। ये देखिए, ये एक चल रहा था टीवी पे और जो वहाँ पे फोटोग्राफ्स चल रहे थे जिसमें ये हो रहा था कि कोई जो बॉडी सिंगवेरपुर में है उनके ऊपर जो चादर है वो हटाई जा रही है। ये जब संज्ञान में आया कि कौन ये कर रहा है और किसकी अनुमति से कैसे ये हुआ है, इस पर जिलाधिकारी और एसएसपी ने एक ज्वाइंट टीम एसपी गंगापार और एडीएम रूरल एरिया उनकी एक ज्वाइंट टीम बैठी है कि ये किस तरह से और क्यों किया गया और इसके पीछे क्या मंशा रही है। ये पूरा का पूरा वाकई पे एक उच्च स्तरीय जांच की जा रही है कि जिससे पता चले कि आखिर ये क्यों ऐसा किया गया। देखिए, ये पूरा का पूरा जो वाकया है जो हाईलाइट हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर एक घाट है, बहुत पुराना घाट है और इसी तरह से घाट है फाफा मऊ में। तो जो प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी और जो जौनपुर के जो लोग उस गंगा के किनारे के जो शहर हैं वो सारे लोग जब उनके परिजन मरते हैं, कुछ लोग हैं विशेष और विशेष करके परंपरा रही कि 18 साल से कम या अविवाहित या किसी रोग से मरे हुए लोग, वो लोग मरते हैं तो उनको वो लोग दाह संस्कार नहीं करते, उनको वो लोग भू समाधि देते हैं। और ये बहुत पुरानी परंपरा है क्योंकि मैं 18 में जब कुंभ मेले में था तब भी मुझे जब गंगा पे पुल बनाना था फाफा मऊ में तो वहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दफन किए हुए थे, इसलिए मुझे वहाँ से पुल न बना करके वहाँ से 2 किलोमीटर दूर जा करके गंगा पे पुल बनाना पड़ा और शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने के लिए जिससे लोगों को आवागमन में आसानी हो। तो ये आज की परंपरा नहीं है और जब मैंने लोगों से बात किया उस क्षेत्र के यहाँ के जो बड़े पुजारी हैं, जो लोग मठ के लोग हैं, मंदिर के लोग हैं, तो और वहाँ के लोगों ने बताया कि ये सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है कि गांव में जिनकी डेथ होती है और जो लोग दाह संस्कार नहीं करते, पहले कुछ लोग जल समाधि भी करते थे लेकिन जब से जल समाधि बंद हुई तब से ये एक परंपरा, लेकिन ये परंपरा भी बहुत पुरानी है कि भू समाधि करते हैं। लेकिन गंगा के जल के को प्रदूषण से या नदियों के जल के प्रदूषण से रोकने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया कि जब पानी बढ़ता है और ये जो बॉडीज़ नदी के किनारे उस जगह पे गाड़ी गई जहाँ जल बढ़ने के बाद जल वहाँ जाता है तो वो बॉडीज़ कभी कभी जल में चली जाती हैं और इससे प्रदूषण बढ़ता है। तो इस बातों को हम लोगों को समझा बुझा के मोटिवेट करके कि वो लोग यहाँ पर उन लोगों को गाड़े नहीं, दफन न करें बल्कि दाह संस्कार करें। अगर उनको करना है तो ऐसा वो अपने गांव में, अपनी ज़मीन में या सहमति के आधार पर ग्राम सभा की ज़मीन में या तालाब में, जहाँ भी ज़मीनें हैं वहाँ पर लोगों का गाड़ने की प्रथा वो अपना कर सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल, जो चुनरी नोचने वाले जो वीडियो चल रहा है उसमें पुलिस भी खड़ी है तो ये कौन लोग हैं जो ये सब सफाई के नाम पे कर रहे हैं? नहीं, पुलिस तो नहीं खड़ी है, हो सकता है वहाँ ड्यूटी पे, चूँकि हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है घाटों पे, लोग नदी में न अपने जल को जल में कोई बॉडी न प्रवाहित करें और इसलिए रुकी है कि लोग जो गाड़ने की परंपरा थी उसको भी डिसकंटिन्यू किया जाए, उसको लोगों को समझा बुझा के वापस किया जाए, मतलब पुलिस तैनात समझाया जाए। तो घाटों पे हमारी पुलिस लगी है लेकिन ये कौन कर रहा है इसकी जाँच की जा रही है, उसको पहचान की जा रही है और इस पर भी उच्च स्तरीय जाँच की गई।
शवों के ऊपर से चुनरी हटाने का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। प्रियंका गांधी और आप नेता संजय सिंह ने वीडियो ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। जल्द ही पुलिस इस मामले का खुलासा करेगी और इस राज से पर्दा उठेगा। हालांकि तब तक सिंगवेरपुर का ये इलाका पिपली लाइव फिल्म बना रहेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कब्रों से चुनरी और पहचान के लिए लगाई गई लकड़ी हटवाया है। यहाँ निशानियाँ लगाई जाती हैं, अपनी सनातन धर्म में निशानियाँ लगाई जाती हैं। जैसे हमारे गांव घर में है तो पक्की कब्रें बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ लोगों को पैसे के कम होने के कारण के अभाव से यहाँ दफना के चले जाते हैं लोग, और इसको पहचान के लिए अपना चुनरियाँ डाल देते हैं, लकड़ियाँ लगा देते हैं, जिसके लिए प्रशासन यहाँ कोविड महामारी के कारण ज़्यादा लाशें दफनाई जाने लगी। यहाँ क्या कहते हैं, जलाने के लिए 5-6 हज़ार रुपये लिया जाता है हिंदू सनातन धर्म में, है कि लाश संस्कार किया जाता है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण लोग यहाँ दफना के चले जा रहे हैं। और इसका प्रशासन की देख में क्या कहते हैं, चादरें हटा दी गई, रास्ते बना दिया गया, बालू हटा दी गई ताकि लाशें कम दिखें। और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो सरकार द्वारा कार्रवाई की जाने लगी, मीडिया द्वारा इसको उछाला जाने लगा, तो क्या कहते हैं, प्रशासन इस पर जाँच बैठा दी। क्या चाहते हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू सनातन धर्म से छेड़खानी ना की जाए। पुष्पराज, यहाँ पर स्थानीय लोगों की जो सुखबुगाहट है घाट पर, उसके अनुसार कुछ कहा नहीं जा सकता कि स्थानीय लोगों ने हटाया है या प्रशासन ने, लेकिन जिन्होंने भी हटाया है कब्रों पर से कपड़ा, वो ठीक नहीं है, क्योंकि कब्रों पर से कपड़े हटने से शिनाख्त जो है वो समाप्त हो जाती है। लोग यहीं पर आ जा रहे हैं पैदल, पैरों से कुचली जा रही हैं कब्रें, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सनातन धर्म में हमारे बिल्कुल ही ये ठीक नहीं है। और जो भी लाशें हैं इनको सम्मान दिलाने के लिए मैं सरकार से और जिला प्रशासन से ये अनुरोध करता हूँ कि जिन्होंने भी इन लाशों पर से कपड़े हटाए हैं उनके खिलाफ़ जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जैसा कि जांच का आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया है। जो सोशल मीडिया पर फोटोज़ आई थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लाशों पर कपड़े लगे हुए थे, ऊपर से ड्रोन से लिया गया था फोटो। और अब यहाँ पर स्थानीय लोग या प्रशासन, किसने हटवाया ये मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं भी बाहर से हूँ, तो जिन्होंने भी हटाया है शासन प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि उसको जांच करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हिंदू धर्म में दफनाया भी जाता है, और मगर यहाँ पे जिस तरह से शवों की मात्रा है, भीड़ है और लग रहा है ढेर सारी, क्या कहना है आपके? इसमें दो चीजें हो सकती हैं। देखिए, कोविड महामारी है, बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु हो रही है, तो घाट पर जगह सीमित है और यहाँ पर जलाने वाले भी सीमित हैं, और उसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो गरीब तबके से हैं, निम्न तबके से हैं, उनकी लाशों को जलाने की हैसियत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 5-6 हज़ार रुपये का खर्च आता है लाश का दाह संस्कार करने में। जो गरीब तबके के लोग हैं आते हैं, अगर उनकी हैसियत नहीं है तो यहाँ पर दफना देते हैं, मिट्टी दे देते हैं। और कुछ लोग अत्यधिक भीड़ होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर लाशों की अधिकता है, अत्यधिक भीड़ होने के कारण यहाँ पर लाशों को दफना देते हैं, और लाशों को दफनाने के बाद एक ऊंचा टीला बनाकर उस पर लकड़ियां लगाकर कपड़े लगा देते हैं, जिससे कि ये शिनाख्त होती रहे कि यहाँ पर लाश दफनाई गई है, आने जाने वाला सम्मान के साथ बगल से निकल जाए। इतनी संख्या में नहीं, कुछ एक होती थी, लेकिन अभी वैश्विक महामारी चल रही है, इस वजह से यहाँ पर लाशों की संख्या आने की भी ज़्यादा है और दफनाने की भी ज़्यादा है। जी, मैं महेंद्र। बता दें, ये अब साफ होगा जांच में कि इसके पीछे क्या कारण क्या है, और जो लोग वहाँ ये कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।